वेलकम टू संदीप प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे फ्रूट केक बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। आज मैं आपको एक केक दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम एक बाउल में लेंगे 3 eggs और इसे हम बीट कर लेंगे हैंड बीटर की मदद से एक 1 to 2 minutes के लिए। 2 minutes के बाद हम इसे बीट करेंगे बीटर से। अब हम इसे बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा रिबन कंसिस्टेंसी आ जाए, तब तक इसे हमें बीट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। जब तक कि शुगर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, तब तक इसे हमें बीट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, मिल्क, वेनिला एसेंस। यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें फ्रूट एसेंस या पाइनएप्पल एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। अब ये एग मिक्सचर जैसे बीट हो चुका है। अब हम लेंगे एक छन्नी और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स या गुटलियाँ ना रहे। अब हम इसे एक बार स्पैचुला के मदद से मिक्स कर लेंगे। एक बार स्पैचुला से मिक्स करने के बाद इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे एक 1 minute के लिए। बैटर को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने से ना जो भी इसमें गुटलियाँ या लम्स रहेगा ना आटा का, तो निकल जाएगा और अच्छे से स्मूथ बन जाता है। तो अब ये केक का बैटर बनकर तैयार है। अब हम लेंगे केक मोल्ड, इसमें हम केक का बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसे लाइटली टैप करेंगे और इसे हमें बेक करना है प्रीहीटेड ओवन में एट 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 to 40 minutes तक। उसके बाद हम केक को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे मैंने चिल व्हिपिंग क्रीम लिया है 1.5 cup। अब हम इसे बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा सॉफ्ट पीक कंसिस्टेंसी आ जाए, तब तक इसे हमें बीट कर लेना है। अब यह क्रीम भी बनकर तैयार है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे केक। यहाँ पर आप देख सकते हो केक कितना लाइट और फ्लफी स्पॉन्जी बना है। अब हम इसे 3 layers में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो केक कितना लाइट और फ्लफी बना है। इस तरह से हम दूसरा लेयर भी कट करेंगे और इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे शुगर सिरप और केक को हम अच्छे से सोक कर लेंगे। 2 tablespoons शुगर ले लीजिए और 1/2 cup वाटर ऐड कर लीजिए, वो बन जाएगा शुगर सिरप। और शुगर सिरप से ना केक को अच्छी तरह से सोक करना चाहिए, वरना केक जो है वो बाद में हार्ड हो सकता है। तो अब हम व्हिपिंग क्रीम को केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दूसरा लेयर और इसके ऊपर से हम शुगर सिरप से सोक करेंगे और क्रीम लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे फाइनल लेयर और इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से सोक करने के बाद ना आप उसे हाथ से टच करिए। आपका हाथ जो है वो थोड़ा वेट होना चाहिए, उसका मतलब केक अच्छे से सोक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम और केक को हम पूरी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे। अब हम लेंगे स्क्रेपर और जिगजैग का साइड से डिज़ाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से, और ऊपर से भी हम डिज़ाइन लगाएंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐसा डिज़ाइन लगा सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। अब ये केक बनकर तैयार है। अब हम फ्रूट से केक को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज और बेरीज यूज़ किया है। आप आपका पसंदीदा फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हो। स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लीजिए और ऐसा डेकोरेट कर लीजिए और बीच बीच में बेरीज को लगा लीजिए कुछ इस तरह से। वाव, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है केक। तो अब हम व्हिपिंग क्रीम से साइड से भी डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टर नोजल यूज़ किया है और साइड से कुछ इस तरह से डॉट्स लगाएंगे।
अब ये केक बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे एक हाफ एन आवर के लिए, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। है ना, बहुत ही सिंपल एंड इजी डिलीशियस यमी केक। तो देर किस बात की, आप लोग भी फटाफट से ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए आपके फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।